वेलकम टू फार्मा जोश यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अनीमिया के बारे में। ये जो पहले फोटोग्राफ के अंदर आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज और इजीली पता चल रहा है कि एनीमिया का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने दो फोटोग्राफ बताए, एक देखिए ये रहा नॉर्मल लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे अनीमिया। ये नॉर्मल के अंदर जो है आपको ये इसके फोटो के कंपेयर में आपको ये जो रेड ब्लड सेल है वो हमको ज़्यादा दिख रहा है और ये दूसरे वाइट है, वाइट ब्लड सेल इसके अंदर देखिए रेड ब्लड सेल जो है वो बहुत ही कम है। तो आपको सिंपल सी एक चीज़ यहाँ पे पता चलती होगी कि अनीमिया का सिंपल मतलब हो रहा है कि कोई भी पर्सन के अंदर, कोई भी बंदे के अंदर आरबीसी का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, वो कंडीशन को हम बोलेंगे अनीमिया। आप सिंपल उतना याद रखिए। अभी हम बात करते हैं उसके बारे में डिटेल में, मगर आपको सिंपल सी चीज़ पहले पता होनी चाहिए। तो चलो बात कर दें अनीमिया के बारे में। व्हाट इज अनीमिया? एनीमिया इज द कंडीशन वेयर द बॉडी डज नॉट हैव इनफ रेड ब्लड सेल, जो अभी हमने फोटोग्राफ के अंदर देखा, टू कैरी इनफ ऑक्सीजन टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। जैसे हमारा आरबीसी कम होता है, आरबीसी का लेवल नॉर्मल से कम होता है, ऐसे केसेस में हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ले जाने का जो कोई एक व्हीकल है तो वो है आरबीसी। देखो आगे कि वुमन आर मोर प्रोन टू अनीमिया especially during pregnancy or if they have heavy periods। तो ये जो कंडीशन स्पेशली बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि बेबी जो है वो भी उसके पेट के अंदर होती है, ऐसे कैसे उसको भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है ब्लड की, स्पेशली बात करें कि आयंस की, तो वो यहाँ पे उसी की वजह से उसके अंदर जो है आरबीसी वो कम होते जाएंगे, यानी एक कंडीशन को हम एनीमिया बोलेंगे। इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो आयंस की टेबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर देते हैं। दूसरी बात जो है कि वुमन जो है वो पीरियड्स में रहती है, दैट मीन्स उसके अंदर एमसी साइकिल जो आती है हर 28 डेज के अंदर, तो ऐसे केसेस में वुमन्स के अंदर से ब्लड का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो ड्यू टू दिस लोसिस ऑफ ब्लड, ब्लड लॉस हो रहा है, उसके मतलब कि उसके अंदर आरबीसी भी बाहर निकल रहे हैं, एंड इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी, वो कंडीशन को हम यहाँ पे बोलेंगे अनीमिया। अनीमिया के जनरल सिम्टम्स देखा जाए तो क्या क्या हो सकते हैं? एक जो है फैटिग्यू, दैट मीन्स वीक फैटिग्यू, दूसरा वीकनेस, फैटिग्यू का मतलब भी वीकनेस जैसा ही है, तीसरा मतलब पे पैल स्किन, हमारा स्किन का कलर जो है वो फिक्का जैसा हो जाए, फिक्का हो जाएगा, कोल्ड हैंड एंड फीट, हमारे हाथ और पाँव जो है वो ठंडे होते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर पैटर्न में रहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, डिजीनेस, चक्कर आएंगे थोड़े बहुत, एंड चेस्ट पेन, हमको छाती में भी कभी कभी पेन हो सकता है। तो ये जो थे मेन बेसिक सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। अभी देखो कि एनीमिया के अंदर ये रहा एनीमिया, एनीमिया के अंदर हमको नॉर्मल रेड ब्लड सेल देख पा रहे हैं, नॉर्मल रेड ब्लड सेल के अंदर आप जो आपको देख रहे हो ये डॉट 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 येलो कलर वाला वो है हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स इसके अंदर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी नॉर्मल है, मगर जो बंदा एनीमिया वाला है उसके अंदर आप देख रहे हो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन यहाँ पे है, दैट मीन्स कि आरबीसी तो कम हो गए ही, उसके अलावा वहाँ पे हीमोग्लोबिन भी कम हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन को हम यहाँ पे बोलेंगे अनीमिया। देखिए कि एनीमिया जो है वो कितने तरीके से होते हैं। एनीमिया मेनली जो है अकॉर्डिंग टू उसके सेब के हिसाब से, मीन्स आरबीसी के सेल के हिसाब से, उसको मेन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो है नॉर्मोक्रोमिक, दैट मीन्स नॉर्मोसाइक्लिक एनीमिया, यहाँ पे आरबीसी का जो सेल की साइज है वो नॉर्मल पैटर्न में रहती है, और अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्मल होने के बाद भी यहाँ पे आरबीसी की डेफिशिएंसी रहेगी, और ऐसी जो कंडीशन है उसको हम बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइक्लिक टाइप ऑफ एनीमिया।
देखो उसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल MCHC लेवल, एक आप टोटल ब्लड का काउंट करवाएंगे कभी, या ब्लड का पूरी प्रोफाइल का टेस्ट करवाएंगे ऐसे केसेस पे, वहां पे भी एक टेस्ट पे MCHC और नॉर्मल MCV मीन कॉर्पस वॉल्यूम करके है, वो नॉर्मल रहेंगे, मगर यहाँ पे हमको एनीमिक कंडीशन को आइडेंटिफाई होगी। एनीमियाज ऑफ द क्रॉनिक डिजीज, कोई भी हमारे अंदर ऐसा कोई डिसीज होगा, सॉरी कैंसर या कोई पेप्टिक अल्सर या ऐसा कोई डिसीज, वो डिसीज होने की वजह से यहाँ पे एनीमिया है, बाकी और कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया, दैट मींस यहाँ पे जो है कैरेक्टराइज बाय द एक्सिलरेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, यहाँ पे क्या होगा, RBC जो है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, RBC टूट जाएगा, मगर RBC की साइज में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तरीके के एनीमिया को बोला जाएगा नॉर्मोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया। दूसरा यहाँ पे एनीमिया ऑफ एक्यूट हेमरेज, कि हमारे बॉडी में से ब्लड बाहर निकल गया है ड्यू टू एनी कंडीशन की वजह से, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी बताया कि सपोज के किसी को पेप्टिक अल्सर हो सकता है या जस्ट कोई इंटरनल ब्लीडिंग होगा, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो एनीमिक कंडीशन, उसके अंदर नॉर्मोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया उसको बोलते हैं। नेक्स्ट अप्लास्टिक एनीमिया, दीज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस अपीयर ऑफ द RBC प्रेक्यूशर फ्रॉम द बोन मैरो। यहाँ पे अप्लास्टिक एनीमिक कंडीशन, इसके अंदर क्या होगा, डिसअपीयर ऑफ RBC प्रेक्यूशर, जो RBC का रॉ मटेरियल जो होगा, RBC बनने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होगी उसकी यहाँ पे डेफिशिएंसी हो सकती है, उसकी वजह से ए टाइप का एनीमिया यहाँ पे हो सकता है। आगे बात करें, ये दूसरा जो है वो हाइपोक्रोमिक टाइप और माइक्रोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया। माइक्रो का मतलब है कि यहाँ पे सेल की साइज जो है वो नॉर्मल से छोटी हो जाएगी, ऐसे तरीके से उसके अंदर RBC जो है हीमोग्लोबिन का कैरिंग करने की कैपेसिटी वो कम हो सकती है। ऐसे जो कंडीशन वाले जो डिसीज है उसको हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक टाइप ऑफ एनीमिया। इसके अंदर आप देख सकते हैं लो MCHC लेवल है एंड लो MCV लेवल जो है वो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा। ए जो है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी बोलते हैं, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ए जो सेल की साइज होगी वो छोटी हो सकती है। दूसरा इसको थैलीसेमिया भी बोल सकते हैं एंड एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिसीज भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है अकॉर्डिंग टू सेप के हिसाब से वो है नॉर्मोक्रोमिक एंड मैक्रोसाइक्लिक टाइप ऑफ एनीमिया। नॉर्मल MCHC एंड हाई MCV लेवल इसके अंदर होगा। इसके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से ये जो है एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया यहाँ पे हो सकता है, और फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से ए डिसीज यहाँ पे होने की पूरी संभावना है। तो ए था टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में। अभी हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक, कोएगुलेशन। अनीमिया को ज्यादा डिटेल में हम आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे, उसी के दौरान आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एनीमिया के बारे में, मगर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इतना तक सफिशिएंट है। आगे बात करें कोएगुलेशन, कोएगुलेशन का मतलब क्या है, तो कोएगुलेशन ऑल्सो नोन इज द क्लोटिंग, इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड टू जेल फॉर्मिंग क्लोट, ये जो कंडीशन है उसको हम बोलेंगे कोएगुलेशन। मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन के अंदर मेन जो इन्वॉल्व है वो है तीन स्टेप, एक जो एक्टिवेशन, दूसरा है एडहेशन एंड तीसरा है एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट, वो ये तीनों एक प्रोसेस होंगी एंड उसके बाद यहाँ पे फाइब्रस फॉर्मेशन हो सकता है, एज वेल एज द डिपोजिशन एंड मैच्योरेशन ऑफ फाइब्रिन। तो ये जो है वो मैं आगे आपको फोटो दिखाने के बाद एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले बात करें कि जो ब्लड को क्लोटिंग करने के लिए जो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो ए रहे, टोटल 12 फैक्टर है जो ब्लड के क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर नंबर 1 दिस इज द फाइब्रिनोजन, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 टिश्यू और थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम, फैक्टर नंबर 5 लेवाइल फैक्टर, फैक्टर नंबर 7
फैक्टर नंबर 7 स्टेबल, फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9 क्रिसमस फैक्टर, 10 जो है स्टूवर्ट, यहाँ पे 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 12 हैगमैन फैक्टर एंड फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। तो ऐसे टोटल 12 फैक्टर जो है जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग हो सकता है। यहाँ पे जो ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है वो बताई गई है कि ब्लड क्लोटिंग का जो मेनली पाथवे है वो तीन तरीके के पाथवे, एक जो है इंट्रेंसिंग पाथवे, दूसरा जो है एक्सट्रेंसिंग पाथवे, तीसरा जो है कॉमन पाथवे। इंट्रेंसिंग पाथवे के अंदर एक कहाँ पे होगा, सरफेस कॉन्टेक्ट। जब भी हमारा ब्लड वेसल्स और ब्लड जो है सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है तभी कौन से सिस्टम काम करती है, तो ये देखिए फैक्टर नंबर 12 जो है उसका 12 एम ए कन्वर्ट होगा, 12 ए की मदद से 11 का 11 एम ए कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 11 ए जो है वो 9 को मदद करके वो 9 एम ए कन्वर्ट करेगा, और 9 जो है वो 10 में से 10 एम ए कन्वर्ट करेगा, और उसके अंदर भी यहाँ पे फैक्टर 8 फॉस्फोलाइपेज एंड कैल्शियम जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे उसको यूज होंगे ए कन्वर्जन करने के लिए। दूसरा यहाँ पे देखिए ए बना, इसमें से फैक्टर 5 पी एल एन कैल्शियम जो है उसकी मदद से यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो है वो उसमें से थ्रोम्बिन बनेगा, एंड थ्रोम्बिन जो है एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 13 फैक्टर को 13 ए में कन्वर्ट करेगा, एंड 13 ए जो फैक्टर है वो क्या करेगा, फाइब्रिन को स्टेबल फाइब्रिन के अंदर फॉर्मेशन करेगा, एंड यहाँ पे क्लोटिंग जो है वो ऐसे हो सकेगा। दूसरा यहाँ पे देखे जाए तो एक्सट्रेंसिंग फैक्टर क्या, टिश्यू डैमेज हुई वहाँ से वो ए फैक्टर 7 ए को एक्टिवेट करता है, 7 ए क्या करे 5 to 5 एम एक्टिवेशन करेगा, बाकी थ्रोम्बिन यहाँ पे बनेगा 13 को 13 एम ए बनाएगा, फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन का थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा, फाइब्रिन में से ए बनाएगा। तो ये स्टेप यहाँ पे आपको याद रखना है कभी भी कोएगुलेशन के बारे में डिटेल में पूछा जाए तो। यहाँ पे देखिए ये रहा क्लोटिन फैक्टर वो एक्टिवेट, क्योंकि इसको प्रोथ्रोम्बिन में से थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा फाइब्रिनोजन जो है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा इनसॉल्युबल फाइब्रिन के अंदर, एंड वो इनसॉल्युबल फाइब्रिन क्या करेगा यहाँ पे क्लोट करेगा। तो ये स्टेप जो हमने आगे देखा था डैमेज ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, इसके अंदर से जो है ये जो है यहाँ पे प्लेटलेट जो है इकट्ठे हो जाएंगे, जहाँ से हमारे रूल्स के हिसाब से प्लेटलेट एक्टिवेट होने के बाद प्लेटलेट के अंदर ऐसा फाइब्रिन स्ट्रैंड यहाँ पे होगा, डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट, ये फाइब्रिन स्टेट डेवलपमेंट होगा, ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे क्लोटिंग प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन। ये देखिए इंजरी, अगर कोई भी ये ब्लड वेसल्स में इंजरी होगी, ब्लड निकलेगा ऐसे के दौरान यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसकी वजह ब्लड वेसल्स को नैरो कर देंगे। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे सभी प्लेटलेट जो है धीरे धीरे इकट्ठे हो जाएंगे, एंड क्लोटिंग फैक्टर जो है वो यहाँ पे 8 जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट करके यहाँ पे प्लेटलेट को इकट्ठा करेंगे और उसको बाइंड करेंगे, एंड धीरे धीरे यहाँ पे वो क्लोटिंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो जाएगा। मगर हीमोफिलिया कंडीशन में क्या होगा, लेक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी रहेगी, डेफिशिएंसी रहने के बाद वो प्लेटलेट को बाइंड नहीं कर पाएगा, एंड वो जो हमारा ब्लड जो है वो ब्लॉक नहीं होगा और कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग यहाँ पे होता रहेगा, ये कंडीशन में हम उसको बोलेंगे हीमोफीलिया। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द कोएगुलेशन प्रोसेस, एंड हमने बात की एनीमिया के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल।